हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉल्फिन अप्लायंस चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम आज आपके लिए लेके आए मोबाइल सोडा मशीन, जो सोडा शॉप का कॉन्सेप्ट है, सॉफ्टिंग मशीन का कॉन्सेप्ट है पूरा, जो हमारी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई करते हैं। तो हम आज ये मशीन के बारे में आपको डिटेल देंगे, मोबाइल सोडा मशीन के बारे में, जिसमें गाड़ियों में फिट कर सकते हो। गाड़ी वाली मशीन है, कोई भी गाड़ी है, टाटा ऐसे छोटा आती ओमा ओमिनी गाड़ी या मूवमेंट वाला कोई भी बिजनेस में आप इसको फिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक पूरी वीडियो देखिए, जिसमें हम एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए, जो शुगर केन मशीन। अगर आप इसके साथ लेते हो तो शुगर केन का जूस भी आप इसके अंदर से ठंडा और चिल निकाल सकते हैं। तो हम इसकी आपको पूरी गाइडेंस और डेमोस्ट्रेशन देंगे। वीडियो स्टार्ट से लेके एंड तक पूरी देखिए, जिससे आपको ज़्यादा नोटिफिकेशन जानकारी डिटेल्स और मिलती रही इसके अंदर। सबसे पहले ये मशीन हमारी ये 10+3 10 सोडा वाले फ्लेवर और 3 जूस वाले फ्लेवर से हमारे एक कस्टमर है, जो जिन्होंने हमको ये ऑर्डर दिया है, इसका आप देख सकते हो, अमेठी के कस्टमर है हमारे। अमेठी के कस्टमर ने हमको ये मशीन का ऑर्डर दिया है। जो कस्टमर ने सोडा मशीन गाड़ी में लगाने वाली 10+3 की सोडा मशीन दी है, प्लस शुगर केन जूस मशीन, प्लस मशीन, ये तीनों मशीनों गाड़ी में इंस्टॉल करने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो हम आज आपको इसकी डिटेल और जानकारी देंगे। सबसे पहले हमारे डॉल्फिन बार ब्रांड का एक्सपोर्ट क्वालिटी का मोबाइल सोडा मशीन है, फुल्ली स्टेनलेस स्टील बॉडी और पाइप फैब्रिकेशन से पूरी मशीन बनती है। इसके अंदर पूरी मशीन का कंस्ट्रक्शन हम पाइप से लेते हैं। पाइप से लेने से मतलब है कि अगर आप गाड़ी में इसको रखते हो और गाड़ी में अगर बम्प पे खड्डे कोई भी मूवमेंट आता है, तो मशीन में कोई डैमेज या लीकेज के चांसेस नहीं रहते मशीन के अंदर। इसलिए हमें मशीन को पूरी टॉप क्वालिटी की स्टैंडर्ड से मशीन स्टेनलेस स्टील उसको प्रोसेस करते और मैन्युफैक्चर करते। मशीन की थोड़ी डिटेल दे देवे आपको। यहाँ पे जो कस्टमर ने हमको नाम बोला था, आंचल सोडा शॉप, ये नाम लिख दिया है कस्टमर ने, बोला हमारा सिटी का नाम भी लिखना है, वो भी लिख दिया है। प्लस यहाँ पे हमने कस्टमर का मोबाइल नंबर जो कस्टमर ने हमको बोला था वो डाल दिया इसके अंदर। कस्टमर ने जो डिजाइन रिक्वायर्ड किया था ब्लू कलर का, ऐसा फूल वाला डिजाइन, तो हमने उसको क्रिएट कर दिया उनके मॉडिफिकेशन के हिसाब से। मशीन के अंदर हमने यहाँ पे लेंसर कंपनी के वाल लगाए हुए और मैंगो के वाले, टेपराइट कंपनी के मैंगो के जूस के वाल लगाए, जो स्टैंडर्ड क्वालिटी के वाल्स रहते। प्लस यहाँ पे हमने ड्रॉवर लगा दिया कस्टमर को, जहाँ पे आप पैसा है, थैली है, नींबू है, कोई भी यदि सामान इसके अंदर लगा सकते हो मशीन के अंदर। और ये पूरी मशीन इंडोर सिस्टम है, वन सेटअप मशीन है इसकी, ठीक है। और मशीन के साथ ये शुगर केन मशीन भी कस्टमर ने ऑर्डर किया है कि हमारी टॉप क्वालिटी की बैटरी ऑपरेट शुगर केन मशीन है। इसको अगर आप गाड़ी में इंस्टॉल करते हो तो ना तो आपको इन्वर्टर का लाइन देना है, ना तो कोई चीज का लाइन देना है, क्योंकि पूरी मशीन इनबिल्ट बैटरी लग की आती है, मशीन के अंदर ही बैटरी लगती है। तो हमने कस्टमर के लिए एक निप्पल बनाई है, जो ये निप्पल है ये सीधा ये नल निकल के यहाँ पे पूरा निप्पल लग जाएगा, आप देख सकते हैं, ये पूरा निप्पल यहाँ पे नल निकल जाएगा। वैसे नॉर्मली अगर कोई कूलिंग पे नहीं चलाते तो उसके लिए ये नल इजी रहता है, जिससे आप नल खोल के ग्लास भर सकते हो, लेकिन कस्टमर को हमने सीधा ही निप्पल लगा देना है। और मशीन में से जो पाइप का कनेक्शन आएगा जूस फ्लेवर का, वो सीधा निप्पल के साथ नोजर लगा देना है, जिससे कोई भी कस्टमर आता है तो आप उसको गन्ना निकालते हो जूस उसके अंदर, और यहाँ से आप उसको हैंडल खींचते हो तो पूरा चिल्ड और ठंडा होकर निकलता है, ठीक है। और अलग से बर्फ डालने का जरूरत जरा भी नहीं है आपको इसके अंदर। तो दोस्तों, अब ये मशीन का हम आपको थोड़ा गन्ने का जूस निकाल के बताएंगे कैसे ऑपरेट होती है, किसे चलानी है आपको। सबसे पहले यहाँ पे बोल्ट दिया है आपको कितना क्रशिंग लेवल से निकालनी है। अभी हमने इसके अंदर 100% क्रशिंग लेवल रखा हुआ है, जिसके अंदर आप कंटिन्यूसली मोर देन 97% क्रशिंग निकलेगा इसके अंदर से, आप देख सकते हैं ये गन्ना रहता है। अभी आप गन्ने का साइज भी देख सकते हो, पूरा हैवी गन्ना है, ठीक है। कई बार आपको कई लोग मशीन दिखाते हैं लेकिन पतले पतले छोटे गन्ने लेके आते हैं और मशीन में ऑपरेट करते हैं तो इजीली वो चल जाती है कई, लेकिन इस टाइप का हैवी गन्ना है, वो लगाने से वो मशीन खड़ी जर जाती है, रुक जाती है, ठीक है। यहाँ पे इसका स्विच दिया गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइट हो रहा है इंडिकेटर क्या, इसके अंदर बैटरी कितना चार्ज है ऑलरेडी, ये बंद करने से बंद हो जाएगा लाइट। अभी हम इसको चालू करेंगे, इसको ऊपर चलाएंगे तो ऑपोजिट एंटर होगा, अगर इसको नीचे रखेंगे तो ये रिवर्स आएगा, ठीक है, वापस आएगा। और इसका चार्जर, अगर आपको बैटरी खत्म होती है तो चार्जिंग करना है तो इससे चार्जर से करना है आपको। अभी हम इसको ऑपोजिट साइड पे इसको स्टार्ट करते हैं। अभी आपके सामने हम गन्ना डालेंगे इसके अंदर, देखिए ये देखिए, आपको लगा के छोड़ देना है इसके अंदर आपको, और टच नहीं करना है आपको इसको, ये देखिए छोड़ देना है, ऑटोमेटिकली जूस निकल जाएगा उसके अंदर से। और इसका आप क्रशिंग देखिए यहाँ पे, ये देखिए इसका हाल देखिए क्या किया गन्ने का, देखिए ये दोबारा डालने का लायक ही नहीं है। आप यहाँ पे देखिए पूरा आगे पीछे, देखिए ये पूरा बिखर गया यहाँ पे, देखिए
ये देखिए, ये पूरा निकल दिया है, ये दोबारा डालने लायक ही नहीं है गन्ना। आप देखिए, ये देखिए, एक बूंद भी नहीं है इसके अंदर, एक बूंद भी जूस भरा नहीं है इसके अंदर। अभी हम मशीन को स्टॉप कर देंगे, बंद कर देंगे यहां से। यहाँ पे गन्ने ये झाली है जिससे कचरा गाल के प्योर जूस निकलेगा मशीन के अंदर से। अब देखिए यहाँ पे हम इसको स्टार्ट करेंगे जूस भरने के लिए। अभी हमने जो गन्ना डाला उसका जूस निकालेंगे इसमें। अब देखिए, अब देख सकते हैं पूरा पूरा क्लीन एंड नीट फ्रेश, कस्टमर के सामने लाइव ताजा जूस निकाल सकते हैं इसके अंदर। अब देखिए, ये हम जूस निकाल लेंगे और यहाँ पे जो डस्ट रहता है, कचरा रहता है, यहाँ पे आ जाता है। अब देख सकते हैं पूरा, देखिए ये झाली के अंदर कचरा आ जाता है, अंदर तो जरा भी कचरा नहीं है। अब देखिए इसके अंदर एक पॉइंट भी कचरा नहीं है, पूरा गाल के छान के निकल गया इसमें से। अभी यही जूस है वो सीधा मशीन खींच लेगा। जब मशीन आप ऑपरेट करेंगे तो मशीन सीधा सक कर लेगा, खींच लेगा। उसके अंदर हमने पंप डाला हुआ है, पंप से पूरा सकिंग कर लेगा और पूरा चील्ड करके ठंडा करके निकालेगा। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। और इसका जो अभी हम थोड़ा सोडा मशीन के ऊपर फोकस करते हैं। अभी इसके अंदर इसका फ्लेवर का टैंक है। अभी ये 10+3 का मशीन है, तो ऐसा हम स्टील का 10 टैंक देंगे जिसका नीचे रबर भी लगा रहेगा, जिससे आप हेवी पटकने से डैमेज भी नहीं होता है। जो जो फ्लेवर का नाम है हमने यहाँ पे इम्प्टी रखा है, आप अपने मार्कर पेन से जो भी फ्लेवर लगाते हैं, मौसम्बी, लेमन, लीची, ऑरेंज, जो भी, तो यहाँ पे मार्किंग से लगा सकते हैं इसके अंदर। मशीन के साइड में हमने यहाँ पे वाटर लेवल कंट्रोल लगाया हुआ है। आप देख सकते हैं पूरा मशीन के अंदर कितना पानी भरा है, यहाँ से लेवल से आप देख सकते हैं पूरा। यहाँ से भरा हुआ है तो आधा दिखेगा, पूरा भरा हुआ तो इतना दिखेगा, कम है तो यहाँ तक दिखेगा मशीन का। हम आपको थोड़ा वाटर टैंक दिखा देते हैं हमें वो जो ये मशीन का हम वाटर टैंक आपको दिखा देते हैं। ये 250 लीटर का वाटर टैंक है 10+3 मशीन के अंदर। इसका आपने टैंक ओपन करेंगे, आप देखिए पूरा इनबिल्ट वाटर टैंक है इसका, और ये पूरा कूल हो रहा है। देखिए पूरा, ये देखिए बर्फ से जम गया है पूरा। हमने कंप्रेसर चालू रखा है इसका, देखिए ये पूरा चारों साइड, एक बॉडी, दो बॉडी, तीन बॉडी और नीचे का पूरा बैठक, ये पूरा जमेगा, पूरा चिलिंग हो गया सब चीज, देखिए। और यहाँ पे हमने हाई ग्रेड क्वालिटी का स्टील का मटेरियल सब यूज किया। आप देख सकते हो कोई भी चीज यहाँ पे ब्रास या कॉपर की नहीं है। कॉपर का जो पाइप लगता है इसके बीच में लगता है, ये दोनों के बीच में कॉपर पाइप लगेगा। और प्लस यहाँ पे कूलिंग सिस्टम है, आप देख सकते हो पूरा, न्या जाओ न्या, ये पूरा कूलिंग प्लांट है, आप देख सकते हो पूरा, ये कूलिंग प्लांट है। यहाँ पे 1.7 टन का इमर्शन कंपनी कॉपलैंड का कूलिंग सिस्टम है। इसका कंडेंसर फैन है, प्लस यहाँ पे देखिए पूरा लाइन जम गया है। यहाँ पे देखिए अभी कूलिंग हो रहा है पूरा मशीन, और पूरी हमने बॉडी पाइप के ऊपर ली। हमने आपको पहले भी बताया कि पूरा पाइप कंस्ट्रक्शन से हम पूरा उठाते हैं। मार्केट में जो आपको देखने मिलेगा वो खोली पतरे की सीट पे आएगा, जो 2-4 महीने में पूरा फट जाएगा, लीक हो जाएगा, सड़ जाएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका टेम्परेचर कंट्रोलर भी है, कितना पानी ठंडा है, कम ज्यादा अगर करना है तो आप यहाँ से इसको ऑटोमेटिकली सेट कर सकते हो। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा। और प्लस अगर आपको बैटरी इन्वर्टर, अगर कुछ भी सामान है आपका और आपके पास स्पेस नहीं आपकी गाड़ी में, तो इसका प्लेट हैवी ड्यूटी पूरा स्टील का। आप देखिए पूरा ये प्लेट के ऊपर अब बोल्टन लगा के यहाँ पे पूरा फिक्स कर सकते हो। इन्वर्टर बैटरी कोई भी 100-150-200 किलो का वेट का आइटम है, तो इसके ऊपर आप हेड रख सकते हो उसके अंदर। और यहाँ पे हमने हमारी डॉल्फिन का लाइट वाला लोगो भी लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं पूरा, ये देखिए। इससे लाइट चालू करने से पूरा लाइट को डेकोरेट होगा पूरी रात। रात को जब कस्टमर लोग देखने के लिए आएगा तो उसको अट्रैक्शन आएगा पूरा, देखेंगे क्या लगाया हुआ है इसके अंदर दोस्तों। तो आपने देखा ही होगा कि हमने हमारी क्वालिटी डिटेल्स क्या हम बनाते हैं, क्या फंक्शन बनाते हैं मार्केट में, हमारी मशीनों का प्राइस क्यों ज़्यादा रहता है। तो हम चीज़ क्वालिटी देते हैं कस्टमर को, परफॉर्मेंस देते हैं। सोडा का क्वालिटी, ठंडक का क्वालिटी, स्ट्रॉन्ग का क्वालिटी और फ्लेवर का टेस्ट, ये सब चार चीज़ हम मेंटेन करते हैं कस्टमर को देते हैं, जिससे कस्टमर के वहाँ भी कोई कस्टमर आता है सोडा पीने के लिए तो वो एक बार पी के दूसरे 10 लोग को लाना चाहिए बंदा।
ऐसा नहीं कि एक बार पी के दूसरे को भी मना बोले और दोबारा कभी नहीं आए, ऐसा फ्लेवर का टेस्ट नहीं। हम जो चार्ज और पैसा लेते हैं वो क्वालिटी और सिस्टम का लेते हैं कि भाई कस्टमर को भी उतना बैकअप मिलना चाहिए। हमारी तो आशा वही रहती है कि कस्टमर मशीन हमारे से लेके 2-3 महीने में वो पूरी मशीन का जो इन्वेस्ट किया है कस्टमर ने वो पूरा 2-3 महीने में ही निकाल ले मशीन में से। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमारे से जुड़ने के लिए, हमारी कंपनी से कनेक्ट होने के लिए आप डायरेक्टली हमारी कंपनी के नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये हमारी कंपनी का नंबर है 7575050675, दूसरा नंबर है 9601298282, तीसरा नंबर भी आप नोट कर लीजिए 9638234133। और दोस्तों हमारी डॉल्फिन अप्लायंस कंपनी और भी बहुत सारे मशीन बनाती है, जैसे सॉफ्टी आइसक्रीम मशीन है, शुगर केन मशीन है, बॉटल फिलिंग प्लांट है, स्लस मशीन है, आइस क्यूब मशीन है, बहुत सारी मशीन अलग अलग फूड एंड बेवरेज की बनाती है। तो अगर आपको दोस्तों कोई भी मशीन के बारे में रिक्वायरमेंट जानकारी डिटेल्स लेनी है तो आप दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। और दोस्तों हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी हमारी सब डिटेल, वेबसाइट, हमारा कंपनी का एड्रेस, सब चीज़ डिस्क्रिप्शन में डाला है। आप डिस्क्रिप्शन भी एक बार ओपन करेंगे तो वहाँ से हर एक जानकारी फंक्शन आपको डिटेल मिल जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और अपने दोस्त अपने फ्रेंड सर्कल में इसको एक बार शेयर जरूर कीजिए, जिससे उनको इनको भी नोटिफिकेशन मिले, उनको भी बिजनेस के लिए जानकारी मिले, क्योंकि हम जितने भी बिजनेस लेके आते हैं इसके अंदर मोर देन 70% प्रॉफिट रेशियो रहते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग और वीडियो।